हेलो दिस इज वलीद रोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईसीसी ने 2021 की, जैसा कि 2021 खत्म हो चुका है, 2022 शुरू हो गया, तो 2021 की जो नॉमिनी सी टेस्ट की, ओडीआई की और टी20 की बता दी है। हमने डिसाइड करना है वोट देके कि कौन सा हमारी नज़र में बेस्ट प्लेयर रहा है इस फॉर्मेट का। तो मेरा वोट किसको जाता है, मैं किसको पसंद करता हूँ, मैंने तो डिसाइड कर लिया टेस्ट का, ओडीआई का और टी20 का। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मेरी नज़र में जो टेस्ट 11 रही है 2021 की वो कौन सी है। इसी के साथ साथ जो मेरी टी20 की 11 रही है 2021 की वो कौन सी है, ओडीआई की मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मेरी नज़र में अगर मैं देखूं तो इस साल ओडीआई मैचेस जो थे वो इतने ज़्यादा हुए नहीं, तो मतलब कि इस पे इतने कम मैचेस पे डिसाइड करना बनता नहीं है। इसलिए मैं टेस्ट की बताऊंगा और टी20 की अपनी टीम बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की नॉमिनीज की। आईसीसी ने अपनी नॉमिनीशन आपने देखी, जिसमें थे काइल जेमिसन थे, जो रूट थे, इसके अलावा अगर हम देखें तो रविचंद्रन अश्विन थे और श्रीलंकन ओपनर करुणा रत्ने थे। तो इन चारों की अगर परफॉर्मेंस देखें 2021 में तो बड़ी ही जबरदस्त रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बेस्ट रूट कौन से थे, तो मैं यही कहूंगा कि क्योंकि काइल जेमिसन और करुणा रत्ने की परफॉर्मेंसेस इतनी खास नहीं है जितनी अश्विन और जो रूट की परफॉर्मेंस है। जो रूट ने बहुत ही जबरदस्त, जिसको कह सकते हैं ना, इतने जबरदस्त रन्स बनाए हैं कि बहुत मुश्किल होता है एक साल के अंदर इतने रन्स बनाना, हम सब जानते हैं। तो बड़ी जबरदस्त जो रूट की परफॉर्मेंस थी, अश्विन ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बड़ी ज्यादा विकेट्स ली। तो इन दोनों में से चूज करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आई एम गोइंग विद जो रूट, क्योंकि अगर अश्विन को मैचेस खिलाए होते इंग्लैंड के टूर के दौरान, इंग्लैंड के अगेंस्ट इन इंग्लैंड, तो मैं जरूर अश्विन को पिक करता। लेकिन क्योंकि वो वाली वो सीरीज नहीं खेला, उसमें जो रूट खेल रहा था और जो रूट ने बहुत, जिसको कह सकते हैं ना, पेला है। उसके अलावा उसने एशिस में भी जाके जो रूट ही चल रहा है और कोई नहीं चल रहा। उसके अलावा हमने देखा कि इस साल के शुरू के अंदर जब जो रूट इंडिया गए थे तो इंडिया में भी जो रूट ही मार रहे थे, मतलब हर जगह सिर्फ जो रूट ने रन किए। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ जो रूट के साथ। और अगर मैं कहूँ कि मेरी जो टेस्ट की टीम रही है साल की वो क्या है, तो मैं अपनी टीम भी आपको बता देता। मैंने लिख लिया क्योंकि बड़ा मुश्किल था मेरे लिए डिसाइड करना, बड़ा टाइम लगा है। हर एक ने अपनी अपनी टीम बता दी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कुछ पोजीशन को डिसाइड करना, तो मैंने अपनी टीम बना दी है। ओपनर चूज करना बड़ा मुश्किल काम था। एक तो ओपनर हमारे पास है करुणा रत्ने, क्योंकि हम सब जानते हैं उसकी इस साल की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही श्रीलंका की तरफ से, तो पहला ओपनर तो करुणा रत्ने हो गया। दूसरा ओपनर चूज करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अगर हम सबके देखें हर टीम्स के, तो इतना ओपनर्स ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया सिवाय एक टीम के, वो है इंडियन टीम। इनके रोहित शर्मा और केएल राहुल ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दी है थ्रू आउट द ईयर। तो इन दोनों में से मुझे एक ओपनर चूज करना था, और मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी 906 रन बनाए हैं, और अगर दूसरी तरफ केएल राहुल को देखें तो उसने इंग्लैंड में भी सेंचुरी मारी, उसके बावजूद उसने अफ्रीका के अंदर भी सेंचुरी मारी पहले टेस्ट के अंदर। तो मेरे लिए चूज करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आई एम गोइंग विद केएल राहुल, क्योंकि मुझे ये प्लेयर बहुत क्लासी लगता है। और इसका अगर हम स्टैट्स देखें तो ये चलता ही बाहर के मुल्कों में है, तो मतलब कि टेस्ट खेलना और बाहर के मुल्कों में सेंचुरियां बनाना तो आसान काम नहीं होता। रोहित शर्मा बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन अगर मैं अभी का देखूं करंट सिचुएशन जो इससे साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनिंग्स के लिए, तो आई एम गोइंग विद केएल राहुल। तो मेरे दो ओपनर्स हो गए, केएल राहुल हो गए, करुणा रत्ने हो गए। तीसरी पोजीशन में मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी, तो मैंने तीसरी पोजीशन बड़ी मुश्किल से डिसाइड की है। इसकी बेस पे मैं इसका तीसरी पोजीशन आपको एंड पे बताऊंगा। अभी बात करते हैं चौथी पोजीशन की। नो डाउट जो रूट ने बड़ा अच्छा चौथी पोजीशन पे रन्स किए, तो जो रूट आएंगे मेरी तरफ से नंबर 4 पोजीशन पे। नंबर 5 पे फवाद आलम पाकिस्तान के, भाई इस बंदे ने कमबैक किया, इतने अरसे बाद टीम में आया और ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है कि पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। तो फवाद आलम नंबर 5 पे आ गए। नंबर 6 पे आ गए ऋषभ पंत आ गए, इन्होंने भी अच्छी, एज अ विकेट कीपर मैं इनको रख रहा हूँ, क्योंकि ये हमें इनकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें थ्रू आउट द ईयर, इसने विकेट कीपिंग बहुत अच्छी की है। ऊपर से आते साथ ही टेस्ट मैचेस में ये 20 से 30 रन तेजी से मार देते तो अच्छी परफॉर्मेंस होती है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 7 पोजीशन की, उसमें है रविचंद्रन अश्विन, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये बैटिंग भी कर लेते हैं और ये बॉलिंग में तो छोड़ते नहीं है। नंबर हम 8 की बात करेंगे तो मोहम्मद शामी और बुमराह में मेरे लिए डाउट था, इन दोनों में से एक को मैंने पिक करना था, तो मैंने पिक किया मोहम्मद शामी को, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहम्मद शामी जो टेस्ट के अंदर है ना, वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ना बॉल करते हैं। बेशक बुमराह ने भी बड़े आउट किए हैं, लेकिन मोहम्मद शामी जो है ना, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और मजा आ रहा है उनको देखने में। नंबर 9 की बात करें तो हसन अली ने काफी अच्छा टेस्ट में परफॉर्म किया, इन्होंने भी कमबैक किया था और जिसको कह सकते हैं सबसे ज्यादा फाइफर इस साल में इन्होंने ही ली है। नंबर 10 की बात करेंगे ओली रॉबिसन, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, इन्होंने भी जिसको कह सकते हैं नए लड़का है और उसने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। ऐसा लगता नहीं था कि एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के अलावा इंग्लैंड की तरफ से कोई विकेट्स लेगा, लेकिन ओली रॉबिसन ने उन दोनों को भी बताया कि एक और बॉलर आ गया है। और नंबर 11 की बात करेंगे तो शाहीन शाह अफरीदी, इसने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है थ्रू आउट द ईयर, काफी जबरदस्त इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो मेरी जो 11 है,
अभी नंबर थ्री की पोजीशन मैंने आपको नहीं बताई, बाकी मैंने आपको बता दिया। नंबर थ्री की पोजीशन पे मैं जा रहा था ऑस्ट्रेलिया के वन डाउन बैट्समैन मार्नस के साथ, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं इसको रख लूंगा तो मैं कैप्टन किसको रखूंगा, क्योंकि मैं जो रूट को कैप्टन नहीं बना सकता, क्योंकि वो जिसको कह सकते हैं 2021 का वर्ल्ड कैप्टन रहा है मेरी नजर के अंदर, लेकिन प्लेयर वो बड़ा अच्छा रहा है। तो मैंने जो रूट को एज अ प्लेयर इस टीम के अंदर रखा है, लेकिन एज अ कैप्टन मुझे एक प्लेयर चाहिए था। लेकिन अगर बात करें कैप्टन की, तो कैप्टन की परफॉर्मेंस इतनी खास लग नहीं रही थी, लेकिन वन डाउन पे अगर बात करें तो मैंने मेरे पास या तो ऑस्ट्रेलिया का मार्नस की ऑप्शन थी, या तो इंडिया की तरफ से विराट कोहली की। विराट कोहली की परफॉर्मेंस देखें 2021 की, तो एज सच इतनी विराट कोहली के स्टैंडर्ड के लिहाज से अच्छी नहीं थी, लेकिन एक प्लेयर की हैसियत से देखें तो उसने अच्छा परफॉर्म किया है। उसने 50 भी स्कोर किए हैं, लेकिन वो सेंचुरी नहीं बना पाया। लेकिन अगर हम उसकी कैप्टनसी को देखें तो उसकी कैप्टनसी इस साल में सबसे अच्छी कैप्टनसी रही है। केन विलियमसन बेशक ट्रॉफी जीत गए हैं, लेकिन कैप्टनसी की बात करें तो विराट कोहली एज अ कैप्टन 2021 का बेस्ट कैप्टन रहा है। एज अ कैप्टन ही मैं उसको इस टीम के अंदर लेकर आ रहा हूं नंबर थ्री की पोजीशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब वो वन डाउन आके खेलता है, बेशक अभी पुजारा खेल रहा हो, लेकिन वो खेल सकता है। वन डाउन आके खेलेगा, वो ज्यादा रन भी बना सकेगा, ज्यादा टाइम भी उसको मिलेगा, और वो कैप्टन बड़ा जबरदस्त है। तो मेरी ये थी टेस्ट की टीम, मैंने रखा है केएल राहुल, करुणा रत्ने, कोहली, जो रूट, फवाद आलम, ऋषभ पंत, अश्विन, मोहम्मद शामी, हसन अली, ओली रॉबिसन और शाहीन शाह अफरीदी। T20 की अगर नॉमिनीज की बात करें तो T20 में मोहम्मद रिजवान का ICC ने नाम दिया है, हसारंगा का ICC ने नाम दिया, इसके अलावा मिचेल मार्श थे और एक और भी बंदा था, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन मेरी नज़र में अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इनमें से जो दो बेस्ट थे वो हैं, जोस बटलर भी ऑप्शन में था, इनमें से जो दो बेस्ट हैं वो हैं रिजवान और हसारंगा। हसारंगा ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की और रिजवान ने बैटिंग बहुत अच्छी की, तो मेरी नज़र में तो ऑफकोर्स रिजवान ही जाएंगे एज अ 2021 के बेस्ट, जिसको कह सकते T20 स्पेशलिस्ट के लिए मैं रिजवान का नाम लूंगा। और अगर मैं अपनी टीम बताऊं तो टीम मेरी है बाबर और रिजवान बेस्ट ओपनर हैं 2021 का, जिसको कह सकते हैं एक ने 1000 रन बनाए तो दूसरे ने 1300 रन बनाए, तो बेस्ट जिसको कह सकते हैं प्लेयर्स रहे हैं मेरे ओपनर होंगे बाबर और रिजवान। वन डाउन पे आएंगे मिचेल मार्श। क्यों इनको मैंने रखा है? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आके प्रूव किया है वन डाउन की पोजीशन पे, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवा दिया, सेमीफाइनल में भी आए वन डाउन के अंदर, उसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छा खेल गए थे, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने खेला तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी इस बंदे ने। नंबर फोर पे लिविंगस्टन, बड़ा ही अच्छा प्लेयर है, बड़ा जबरदस्त खेलता है। नंबर फाइव पे है जोस बटलर, ये भी बहुत इसको कह सकते हैं अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये एज अ ओपनर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं 2021 के अंदर, लेकिन मैंने इनको रखा है नंबर फोर पोजीशन पे क्योंकि मेरे को ओपनर ऑलरेडी है। नंबर फाइव पे मैंने केएल राहुल को रखा। हमने देखा है कि T20 के अंदर ये नीचे आके खेलते हैं, हमने भी देखा था कुछ मैचेस में ये नीचे भी आके खेला है, तो प्लेयर T20 का बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अभी आजकल ओपनर एज अ ओपनर खेल रहा है, लेकिन मैंने इसको रखा है नंबर फाइव पोजीशन पे क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। मैं चाहता था इस प्लेयर को मैं टीम में रखूं क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है, तो इस वजह से फिर मैंने इसको इस पोजीशन पे एडजस्ट कर लिया है। नंबर सिक्स पे मेरे पास है हसारंगा, इसके अलावा राशिद खान हो गए, बुमराह हो गए, पैट कमिंग्स हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, ये मेरे बॉलर्स हैं। इन्होंने बड़ी ही जबरदस्त कह सकते हैं ना बॉलिंग की है, तो ओवरऑल अगर हम अपनी टीम देखें तो बड़ी ही जिसको मैं कह सकता हूँ चूज करके अच्छी टीम मैंने बनाने की कोशिश की है, और ये मेरी टीम थी। होप सो मैंने बुमराह को इसलिए रखा है क्योंकि बुमराह जिसको कह सकते हैं T20 का स्पेशलिस्ट है, इसके साथ पैट कमिंग्स हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, तीन फास्ट बॉलर हो जाए तो भाई जिसको कह सकते हैं ना मजा ही आ जाए, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस हो जाए, क्या ही कहने। तो ये मेरी टीम थी T20 की। ODI की मैंने टीम नहीं बताई, लेकिन मैं नॉमिनी से रिजल्ट जरूर बता देता हूँ। ODI की बात करें तो ODI के अंदर शाकिब उल हसन का नॉमिनेशन में नाम है, बाबर आजम का नाम है, पॉल स्टर्लिंग का नाम है। तो मेरी नज़र में जो बेस्ट मेरी नज़र में जो रहा है वो ऑफकोर्स बाबर आजम रहा है, क्योंकि मुझे बंदा बड़ा पसंद है और जब खेलता है तो वही जिसको कह सकते हैं बहुत मज़ा आता है इसको खेलते हुए देखते हुए। वैसे ओडी इतने ज्यादा हुए नहीं, शाकिब उल हसन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन आई एम गोइंग विद बाबर आजम। तो यहाँ आज की वीडियो खत्म करते हैं 2021 की। अगर आपको कोई और ऑप्शन लगता है तो आप जरूर कमेंट्स में बताएं, मैं रेडी बैठा हूँ सुनने के लिए आपके ऑप्शन की। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी टेस्ट 11 कौन सी बेस्ट है, ODI की कौन सी बेस्ट है, T20 कौन सी बेस्ट है, तो आप जरूर कमेंट्स में बताएं। हम देख रहे हैं इंशाल्लाह कल से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज शुरू, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अल्लाह हाफिज़।